गांव पावटी में गौ चराण की भूमि में छोड़ा जा रहा है गांव का गंदा पानी, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष बना हुआ है। दरअसल गांव पावटी में बरसात के दिनों में गांव की सभी नालियों का पानी निचले स्तर की गलियों में इकट्ठा हो जाता है, जिससे बरसात का गंदा पानी निचले स्तर की गलियों में रहने वाले लोगों के घरों के अंदर चला जाता है, जिससे उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं दूसरी ओर गांव का गंदा पानी गौ चराण की भूमि में छोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष बना हुआ है। वहीं इस बारे में ग्रामीणों ने बताया कि गौ चराण की भूमि में पूरे गांव का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। गौ चराण की भूमि पर काफी गहरे गड्ढे खुदे हुए हैं, जिससे गाय उन गड्ढों में फंस जाती है और कई गायों की गड्ढों में फंसने के कारण मौत भी हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके द्वारा कई बार गायों को बचाया गया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कई बार प्रशासन को इस समस्या से रूबरू करवाया, लेकिन पिछले एक साल से समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं गांव का पानी सारे गौ चराण में उतारा गया है, जबकि गौ चराण में पानी उतारने की कोई वो नहीं है, और जगह जगह गड्ढे खदवाए गए हैं। वहाँ इतनी कम से कम 60-70 गौएं गुजर ली। वीडियो से मिले, SDM से मिले, रजिस्ट्री भी कराई, मेरे पास प्रूफ भी है उनके, और उस पर गौ चराण पर कब्जा कर रखा है, लोगों का कब्जा छटवा जाए। कम से कम 60-70 घरों में पानी पड़ता है, जिन्होंने 20-30 हज़ार का गेहूँ खराब हो गया, बच्चे क्या खाएंगे, भूखे मरेंगे उनके। ग्रामीणों ने प्रशासन से अनुरोध भी किया कि जल्द से जल्द पानी की निकासी का प्रबंध कराया जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके। वहीं इस बारे में समालखा BDPO से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, वह भी हम आपको सुनाते हैं। गांव के कल कुछ लोग आए थे मेरे पास, वहाँ पानी बरसात हुई थी कल, उससे पानी भर गया खेतों में। तो PWD&RCS द्वारा एक नई सड़क बनाई जा रही है, जो ऊंची चक दी गई है, इसलिए दोनों साइडों में निर्माण हो गई है और पानी लग गया है। PWD&RCS जी से कल बात होती है, वो नई पुली बना देंगे, जिससे पानी का आना जाना शुरू हो जाएगा और समस्या कम हो जाएगी। समालखा से सिटी थैलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट।